जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन यात्रा में। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको माता रानी के भवन के उस अद्भुत नज़ारे को दिखाऊंगा और बताऊंगा जो कि अक्सर माता रानी के दरबार में नवरात्रों में देखने को मिलता है। दोस्तों जो भक्त माता रानी के दरबार में नवरात्रों में जाते हैं उन्होंने तो ये नज़ारा ज़रूर देखा होगा, लेकिन जो भक्त किसी कारणवश अभी तक माता के दरबार में नहीं जा पाए हैं या नवरात्रों में दर्शन नहीं कर पाए हैं उन सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से पुरानी यादों के पिटारे से मैं लेकर आया हूँ कुछ अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य जिसे देखकर आप घर बैठे माता रानी के दरबार में यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप सभी तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मेरा नाम है सचिन कुमार, आप देख रहे हैं डिवाइन यात्रा। दोस्तों अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये नज़ारा माता रानी के भवन का है और यहाँ का जो डेकोरेशन है वो देश विदेश से मंगाए गए उच्चतम क्वालिटी के फूलों से किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि ये डेकोरेशन करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से विशेष कलाकारों और शिल्पकारों को बुलाया जाता है। दोस्तों हर नवरात्रों में यहाँ पर विशेष झांकियाँ लगाई जाती हैं जिनमें माता के नौ रूपों की प्रतिमा श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, श्री महासरस्वती जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएँ इन विशेष झांकियों के माध्यम से लगाई जाती हैं। ये दृश्य अपने आप में इतने मनमोहक होते हैं कि मानो ये सभी प्रतिमाएं आपसे बातें कर रही हों और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रही हों। दोस्तों यहाँ आने के बाद भक्तों का मन इतना भाव विभोर हो जाता है कि उनका कुछ समय के लिए घर वापस जाने का मन ही नहीं करता। दोस्तों अगर आपने भी अभी तक माता रानी के भवन का इस भव्य नज़ारे को नहीं देखा है और यहाँ पर दर्शन नहीं किया है तो हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्तजन अपने परिवार और मित्रों के साथ माता रानी के दरबार के ऐसे दर्शन जरूर करें। माता रानी आप सभी भक्तों को जल्दी से जल्दी बुलावा भेज दे। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारियों के साथ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक लाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।
मैया।